भाई दिल खोल के हंसो। कॉमेडी सर्कस है आया फिर, टीवी सितारे ले आया फिर, एक्टर भी है, कॉमेडियन भी है। ए भाई हाँ तू यहाँ देखेगा, सास नहीं बहु नहीं आंसू नहीं चाचा नहीं, मर के भी यहाँ कोई जिंदा नहीं होता है। ए भाई, भाई और बहनों, टेलीविजन के मशहूर सितारे और कॉमेडियन भी हाँ एक साथ एक ही मंच पर। ए भाई दिल खोल के हंसो। भाइयों और बहनों, पब्लिक डिमांड पर एक बार फिर आ गया है। पिछले साल की चोटी पर रहने वाला ये शो इस साल भी अपना डंका बजाएगा। यहाँ बत्तियाँ भी है, घोड़े भी है और सीटें भी है भाई। ये है द बिग द बेटर एंड द बेस्ट कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस, जहां जोड़ी जमाएगी रंग और पब्लिक हंसेगी संग, तो हंसना मत भूलिएगा। एंड वी बैक। पिछले सीजन में एलिमिनेट किया था ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर्कस मेरे बगैर ही शुरू कर दिया शुरति। सही बात है, जोकर के बिना सर्कस कैसे शुरू हो सकता है। अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छा हुआ आ गया ना, मेरी सर्कस पहचान है, सर्कस की मैं पहचान हूँ। बिल्कुल तुम लोगों को शर्म नहीं आए? मेरी बद्दुआ है शुरति, अल्लाह करे तेरी शादी हो, शादी वाले दिन तेरा दूल्हा पकड़ा जाए। तेरी शादी हो उस दिन सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो, तू यही मुंह लेके जाए। मनहूस, मुझे नहीं बुलाया सर्कस में। शकील भाई, मुझे भाई मत कह, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे सब सैलाब में बह गए, दो चार बचे थे मैंने उनको खुद धक्का दिया। जाओ तुम भी निकलो मनुष्यो। आपसे जिसका पाला पड़ेगा वो तो खुद खुशी खुशी खुदकुशी कर लेगा ना। खुदकुशी कर लेगा? एक मिनट रुक जाओ, बताओ ये मुर्दे बेचारे दोबारा ना मर जाए। ओवर। आपकी इतनी जुर्रत के मेरे सेट पर आकर आपने ओवर कहा? मुझे माफ कर दीजिए शकील भाई, मुझसे गलती हो गई, अब जाइए यहाँ से। गलती तो हुई है तुम लोगों से, हैं? सब नए नए लोग बुलवा लिए तुम लोगों ने, हैं? वो दुल्हन के दुश्मन सिंदूरा को बुलवा लिया, हैं? नागिन अपनी बहन को बुलवा लिया और अपने सास को बुलवा लिया, बहू को बुलवा लिया और वो चक देगी भैंस की पूछ को, हैं? तुमने आकाशदीप सहगल को बुलवा लिया, मेरे भाई को बुलवा लिया पाकिस्तान से, सलीम को बुलवा लिया, लहरी को बुलवा लिया तुमने। बस मेरे पूरे शो की पोल खोल दी आपने, जाइए ना यहाँ से। तुम्हें तेरे घर की भी पोल खोलूंगा। मैंने कहा ना मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ करिए और जाइए, मुझे जजेस को बुलाना है। एक बात बताओ, जजेस नए? हाँ हाँ एकदम नए। नहीं नहीं, अर्चना पूरन सिंह और एकदम नए कोरे करारे सतीश शाह। ये नए, इनको क्या नहला धोला के लाइए? अगर इतने ही नए तो 200 मेरे पे लगा, मैं भी नया हो जाऊंगा। हो गया आपका? हो गया। जाइए तशरीफ रखिए। रख रहा हूँ, क्या रखूँ? हाँ लेके आया था तो। Ladies and gentlemen, please welcome the comedy queen, जिनका अंदाज़े बयां हंसी से शुरू होता है और हंसी पर ही खत्म होता है, the one and only one of a kind, अर्चना पूरन सिंह। कहाँ देख रहे हैं शकील भाई? यहाँ से आएगी। जरा ताली बजाइए।
देखा? हेलो अर्चना, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। भाई जोरदार तालियां। एंड नाउ हमारे दूसरे जज, जो एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी खट्टी मीठी कॉमेडी के डोज से हम हो जाते हैं लोटपोट, तो प्लीज वेलकम कॉमेडी के शहंशाह सतीश शाह। हर बार नहीं होता, वहां देखिए। जोरदार तालियां फॉर अर्चना प्रिंस सिंह एंड सतीश शाह। थैंक यू, थैंक यू सतीश। आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। आई मीन विदाउट यू द शो इज बिल्कुल अधूरा होता है ना, इनके बिना शो बिल्कुल अधूरा होता है। रियली रियली मिस्ड यू। थैंक यू अर्चना जी। और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली एज यूजुअल, नो ऑफेंसमेंट। मगर एक बात कहता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कॉमेडी सर्कस का पहला सीजन था, उसकी जो शोहरत है, उसकी जो सक्सेस है, उसका सिरा इनके सर पर है। प्लीज डोंट माइंड इट श्रुति। ये ना होती तो वो शो ना होता। सर सी, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी यू आर विद मी अगेन। फीलिंग इज म्यूचुअल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप दोनों की प्यार मोहब्बत देखकर ना मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपकी तारीफ में हमारी ऑडियंस और आपको कुछ दिखाऊं। वो जरा देखिए वहां। आई एम रियली हैप्पी कि मैं कॉमेडी सर्कस के सीजन 2 में पार्ट ले लिया। अरे साहब, मैं तो कब से बेकरार था कि ये दूसरा सीजन कॉमेडी सर्कस का कब शुरू हूं, कब मैं हंसूं। द ओनली थिंग दैट इज अपसेटिंग मी इज कि किसी और खूबसूरत लड़की को आप जज बना के लाए तो जरा मुझे भी और मजा आए प्रोग्राम में। मैं जब तक हंसती नहीं हूँ उसे समझ नहीं आता कि पंच हुआ भी है कि जोक का भी। प्रॉब्लम सिर्फ यही है अर्चना का कि वो इतना जोर से हंसती है कि मेरे कान बहरे हो जाते हैं, मैं जोक नहीं सुन पाता हूँ। वो समझती है कि मैं जोक समझ नहीं पाता हूँ, फिर वो मुझे जोक समझाने की कोशिश करती है। बाहर आकर जब उसे जोक समझाओ तो घर जाकर हंसता होगा। जितने पैसे आप लोग मुझे देते हैं ना, उससे डबल पैसे मुझे खर्च करने पड़ते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाने। इतने सारे लोग हैं यार, तुम किसी को भी ले सकते थे। सिद्धू है, सिद्धू को ले लो। जूही चावला हुई या अरुणा ईरानी जी हुई, शेखर सुमन है उसको ले लो, या सरोज खान जी को बुला लीजिए, जरा बैलेंस हो जाए। आप वो और मैं दोनों जरा यू नो। आप जावेद साहब को ले सकते हो, आजकल तो जावेद अख्तर भी बहुत अच्छी जजिंग करते हैं। मटर चना सतीश क्यों यार भाई। कैसा लगा मेरा मजा? I was also joking. We are best of friends actually. मैं जोक कर रही थी वहाँ पर। जोकी जोकी। हाँ हाँ, आप दोनों तो हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। और really? इनफैक्ट यही तो हमारे शो की स्पेशलिटी है कि मजाक होते होते शो शुरू भी हो जाता है ना? Yeah, absolutely. देखिए अभी बहुत मजाक और बहुत सारी हंसी बाकी है, तो प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू श्रुति एंड वेलकम टू कॉमेडी सर्कस सेकेंड सीजन। आई डिड टू दैट। थैंक यू श्रुति। टेलीविजन के 8 सितारे और कॉमेडी के 8 महारथी जमाएंगे जोड़े और अगले 20 हफ्तों तक उठाएंगे ऐसा तूफान कि घर घर में हंसी और सिर्फ हंसी सुनाई देगी। इस बार कॉमेडी सर्कस और भी बड़ा है क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए 8 यूनिक जोड़ियां, एक्टर्स फ्रॉम टेलीविजन एज वेल एज सिनेमा एंड कॉमेडियंस फ्रॉम ऑल ओवर। तो तैयार हो जाइए उनसे मिलने के लिए। और हमारी पहली जोड़ी है चकते की कोमल चौटाला उर्फ चित्राशि राउत और भाइयों के भाई रहमान भाई। मोमाज बॉय रोशेश उर्फ राजेश कुमार और सबके चहेते राजीव निगम। हर तोड़ सिंदूरा काम्या पंजाबी और दिमाग फोड़ राजीव ठाकुर। टेलीविजन का बैड बॉय आकाशदीप और पक पक परवेज। इच्छाधारी नागिन शयांतनी और चंबल का कुलदीप। एवरग्रीन अपरा मेहता एंड दी एवर रेडी शैलेश लोढ़ा। कॉमेडी के फैमिली से कुछ
कृष्णा और लहरी लाल सुदेश लहरी। खट्टी मीठी कड़वी सुचेता और लाई मारू सलीम। जोरदार तालियों से एक बार फिर हमारी आठ यूनिक जोड़ियों का स्वागत कीजिए। So guys, what are we waiting for? Chaliye, let's get this show on the road. और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतजार। Let me call upon the first jury of the evening. पर उससे पहले आप सब जानते हैं कि हर परफॉर्मेंस के बाद जजेस तो अपना स्कोर देंगे ही, साथ ही स्कोर देगी स्टूडियो में बैठी हमारी ऑडियंस। तो आज का ये एपिसोड इंट्रोडक्शन एपिसोड है, पर दीज मार्क्स विल सेट अ बेंचमार्क कि आने वाले एलिमिनेशन एपिसोड के लिए हमारी जोड़ियों को कितनी मेहनत करनी है। तो लीजिए, पहली जोड़ी आ रही है जिनमें से एक है रंगीन तो दूसरी है संगीन, एक का मिजाज है नरम तो दूसरी है सुपर गरम। प्रेजेंटिंग कॉमेडी सर्कस की यंगेस्ट एट हार्ट एवरग्रीन अपरा मेहता विद द एवर रेडी शैलेश लोढ़ा। ये जवानी है दीवानी, रुक मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के। गिली गिली अपरा सुखे सुखे शैलेश, गिली गिली अपरा सुखे सुखे शैलेश, सुखे 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 सुखे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, हम जो है बड़े मेच्योर लोग हैं, हमें इस तरह से एक दूसरे के पे छींटाकशी नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा एग्जांपल सेट करेंगे, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी थोड़ी सी तारीफ में मैं एक आध शेर कह दूं। इरशाद, वैसे आप आज इतनी चमकदार लग रही हैं कि मैं घर में झूमर की जगह लटका दूं। लेकिन एक आध शेर कहना चाहता हूँ। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, और ये दिल एक उजड़ी हुई सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। जब से तुम्हें डांस बार जाने का शौक हुआ है शैलेश, सुना है कई कई रात तुम घर नहीं आते। देखिए 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 अपरा जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे कितनी कम सिन, कितनी कम उम्र, कितनी कोमल और कितनी कमजोर पार्टनर मिली है। मेरे बारे में तो बहुत कुछ बोल दिया, कुछ अपने बारे में सुनाओ। देखिए, अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मुझे अपने बारे में कुछ कहने की आदत नहीं। मैं इंटरनेशनली इतना पॉपुलर आर्टिस्ट हूँ, मैंने कभी बताया। मैंने मैनेजमेंट पे किताबें लिखी हैं, मैंने कभी बताया। मैंने अमेरिका में स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की, मैंने कभी बताया। मैं इतना पॉपुलर हूँ, मैंने कभी बताया। मैं नहीं करता। तुम्हें देखकर ना मुझे शाहरुख की याद आ गई। क्या कह रहे हो? वो कका 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 करता है तो मैं करता हूं। काश मुझे कोई यंग पार्टनर मिला होता। बहुत अच्छा होता अगर आपको कोई यंग पार्टनर मिला होता, क्योंकि आपके आगे तो मैं बच्चा हूं। दिमाग से बिल्कुल बच्चे ही हो। दिमाग की छोड़ो, अदरवाइज मैं जवान हूं। जवान हो तो जाओ, तुम्हें सीमा बुला रही है। सीमा बुला रही है? हाँ। कौन सी सीमा बुला रही है? सीमा शर्मा, सीमा वर्मा, सीमा द्विवेदी, सीमा त्रिवेदी, सीमा चतुर्वेदी, सीमा सेन, सीमा राय, सीमा भंसाली, सीमा मेहता, सीमा कोपिकर, सीमा पूरण सिंह, कौन सी सीमा? जवान, तुम्हें देश की सीमा बुला रही है। किस देश की सीमा बुला रही है? सीमा बांग्लादेश की सीमा, भूटान की सीमा, बर्मा की सीमा, जापान की सीमा, चाइना की सीमा, मलेशिया की सीमा, मंगोलिया की सीमा, थाईलैंड की सीमा, हांगकांग की सीमा, अमेरिका की सीमा, ब्राजील की सीमा, पेरू की सीमा, होनोलुलु की, किस देश की सीमा? तुम पिछले जन्म में तुम वेटर थे? वेटर? वेट तो वैसे मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आपने कभी वेट किया है? मैंने, मैं तो हर रोज वेट्स करती हूँ जिम में जाकर। जी जी, जाहिर है, आपको देख के लगता है जिम वालों की रोजी रोटी आपके और अर्चना जी के भरोसे ही चलती है। लग रहा है, जाहिर है। और आप बिल्कुल परफेक्ट हैं जिम के ऐड के लिए, बिफोर एंड आफ्टर, काफी लग रहा है। और सतीश जी के बारे में क्या बात करें, इन्हें जिमने से फुर्सत मिले तो जिम में जाएं। वो काम करते हैं जिसके लिए आए हैं अपन, पहले कॉमेडी। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना हमेशा सीरियस वाले रोल से किया है। हाँ। रोने धोने वाले। अच्छा। तो
कॉमेडी में क्या करना क्या होता है? देखिए करना कुछ नहीं है, जो आपने रोने धोने वाले रोल किए उस पे पब्लिक आज तक हंसती है, खैर वो जाने दो। लेकिन बात ये है कि कॉमेडी में करना कुछ नहीं, बस नेचुरल रहना है। ओके। क्योंकि आप जब नेचुरल रहती है ना अपरा जी, तो बिल्कुल स्मिता पाटिल की तरह लगती है। आपके कदम इन्हें जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। आपकी ये कलाई जिसने थामी कुछ और थामने के काबिल नहीं रहा। आपका ये फिगर अगर मल्लिका शेरावत देख ले ना, क्या बात है, सुसाइड कर ले। बस 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 बस, बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब कॉमेडी करो ना। ये कॉमेडी थी। तो ये कॉमेडी तो मुझे भी आती है। करो। अब देखो ना, तुम ना बिल्कुल शैलेश नाना पाटेकर की तरह हैंडसम हो। तुम्हारी टांगे जो है वो कन्हैया लाल जैसी है, राधा रानी। तुम्हारी मूछें जो है वो सलमान खान जैसी है, और तुम्हारे जो बाल हैं। हैंग ऑन, सलमान के मूछें कहाँ है भाई? अभी नहीं है, जब उगेंगी तभी ऐसी लगेगी, टूथब्रश जैसी। देखिए ऐसा है, ये जो आप कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत बात है, खराब बात है। किसी और पे हंसना बिल्कुल गलत है, ये इस तरह की कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट पीपल, यू शुड नो हाउ टू लाफ एट योरसेल्फ। इंग्लिश? या तुम्हें देखकर ऐसे लगता नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती होगी? हाय हाय, आपको देख के भी कहां लगता है कि आप तुलसी की सासू हैं। क्या कह रहे हो ये? सच कह रहा हूँ, बा की अम्मा लगती हो। मतलब मैं 350 साल की लगती हूँ? 50 साल फिर कम कर दिए। 2-4 कविताएं क्या लिख लिए? तो 2-4 शेर क्या लिख लिए? अपने आप को जावेद अख्तर समझने लगा है? खामोश, जो मुझे जावेद अख्तर कहा, मेरा तलफ्फुज बिल्कुल साफ है। और हम रियलिटी शो में हम पार्टनर्स हैं, जजेस नहीं है। क्या लौटती हो हिमेश रेशमिया की तरह? हिमेश रेशमिया, चार्ली चैपलिन का बिगड़ा हुआ रूप। अच्छा, और तुम बहु सताओ एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट, और तुम मुर्दों के कफन से 2-पीस बिकिनी सीने वाले घटिया टेलर, तुम बच्चों के वाटर बॉटल से चुरा चुरा के पानी पीने वाली औरत, और तुम बूढ़ी औरतों को रास्ता पार कराने के बहाने उन्हीं पर चांस मारने वाले छिछोरे इंसान, और तुम डिओडोरेंट की जगह मर्दों का आफ्टर शेव लोशन लगाने वाली औरत, और तुम एयर इंडिया के फ्लाइट, और तुम उसकी एयर होस्टेस चाय पिएगा बेटा, तुम पशु मेले के पोस्टर, फीमेल बप्पी लहरी, भूल गई ना असली ना बातें, भूल गई ना, भूल गई, हाँ हुआ। तुम कौन हो भाई, हैं? कम कपड़े पहन के तरक्की पाने वाली औरत, चूसा हुआ आम, तुम फटे हुए दूध की कटिंग चाय, तुम गरीबों की मिस इंडिया, और तुम छिपकली की फर्स्ट कजिन। हाँ है ना, झगड़ने में इतना मजा आ रहा था हम दोनों को। देखो यार क्या बढ़िया लड़ाई चल रही थी और बीच में आ गई। खैर पर आप दोनों को एक दूसरे के बाल नोचने से बचाने आई, आप लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, फटे हुए ही हैं। तो जजेस क्या कहेंगे हमारी आज की पहली जोड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में? सबसे पहले कहेंगे वेलकम, वेलकम अपरा एंड शैलेश ऑन कॉमेडी सर्कस। और आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा आगाज किया, हमें बड़ा मजा आया, और मैं समझता हूँ कि अगर आपका आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा भाई, मैं तो सोच कर ही बिल्कुल फूला नहीं समा रहा, मुझे बड़ा मजा आएगा। I want to tell you that your presence on stage is tremendous, and Shailesh, आपकी it's tough to stand next to a lady who's got such tremendous stage presence. I know. तो भाई हमारे judges ने आप लोगों की performance की तो काफी तारीफ की है, देखते हैं कि वो scores क्या देते हैं। तो अर्चना, it's 8 from my. Thank you very much. I will give you 9. Thank you very much. Super. Thank you. So congratulations. पहली जोड़ी होकर क्या कमाल के मार्क्स मिले हैं आपको? Thank you अपरा जी. Thank you शैलेश. Thank you श्रुति. Thank you judges. तो भाई ऑडियंस, आप बारी है आपकी. I'm sure कि आपको भी हमारी आज की पहली परफॉर्मेंस धमाकेदार लगी, तो प्लीज उन्हें धमाकेदार स्कोर दीजिए. Your time starts now. अरे शकील भाई, आप इतने चुपचाप से बैठे हैं, अच्छा ही नहीं लगता। मेरा सेल निकाल लिया किसी ने। भाई आपको कुछ कहना ही पड़ेगा, आई एम फोर्स्ड टू से दिस।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग शाना शकील। शाना क्यों कह रही है, मैं कहीं से पकड़ा गया हूँ? हम खानदानी मासूम लोग हैं श्रुति, हमारे यहाँ तो मौतें मासूमियत की वजह से हुई है। मेरे अब्बा मासूमियत की वजह से मरे थे। आपकी मौत कब होगी फिर? मेरी इंशाल्लाह तुम्हारे 2-4 हफ्ते बाद हो जाएगी। जान लेकर जाएंगे ना आप? मैं बता रहा हूँ मेरे अब्बा की मौत कैसे हुई थी, इतने मासूम थे वो। ट्रेन में सफर कर रहे थे अपने अर्चना जी और सतीश भाई, गेट पे खड़े थे, धगड़ 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 जा रहे थे। पीछे से किसी ने कहा भैया आगे हो ना, अब्बा आगे हो गए, ट्रेन आगे निकल गई। दूसरे दिन मैं अब्बा इकट्ठा करने गया, तो अब्बा की कई कीमती चीजें गायब थी, मसलन घड़ी, अंगूठी, सोने के 4 दांत। मुंह पे डाका पड़ा ना 2 दफा अब्बा के। सही बता रहा हूँ, मासूमियत के सम्मान। हाँ, पता है, पता है। तो चचा, चचा मेरे चोर थे, उन्होंने डाका मारा, डाका मारा, मासूम आदमी थे, पकड़े गए, 3 साल के लिए अंदर हो गए। दुकान पे गए, असला निकाला, लूट लिया अच्छा खासा उन्होंने, वहीं बैठ के गिनने लगे। पुलिस आई, 3 साल के लिए अंदर हो गए। हम लोग का मासूम लोग हैं, मैं कहाँ का सियाणा हूँ। अच्छा बिल्कुल, मैं मुझे गलती हो गई आपसे बात करने, मुझे हाथ ना लगाओ, मेरे तार नंगे हैं, प्लीज। अब सियाणा नहीं बोलना। नहीं बोलूंगी, बिल्कुल हो गया, हो जाएगा तो इंशाल्लाह खुर्रम नाम रखेंगे। ले ले प्लीज। बारी है अब हमारी दूसरी जोड़ी की, जिनमें से एक भैंस की पूंछ कह कहकर हॉकी घुमा रही है और दूसरे को अपनी हाइट उसके साथ मैच करने की परेशानी सता रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टारिंग चक दे की छुटकी चित्राशी और हमारे सिंगल पसली भाई रहमान भाई। हेलो, खुशामदी, सुस्वागतम, वेलकम। मैं हूं रहमान खान, आप देख रहे हैं कॉमेडी सर्कस। ओ भाई साहब, ओ बेंजो पार्टी, बेटा शूटिंग चल रही, बाहर खेलो जाओ। बेटा आज स्कूल की छुट्टी है, कैसे आ गए तुम? यार ये किसका बच्चा है यार? सतीश जी आपका तो नहीं है ना? नहीं, वैसे साइज मैच नहीं हो रही है। ए, ए, एक मिनट, अरे बेटा जंबो सर्कस नहीं है, कॉमेडी सर्कस है बेटा, कॉमेडी मुन्ना। अबे ओए आराम से, बच्ची ना हूं मैं, जानता है कौन हूं मैं? देखने में तो चाइना का लेटेस्ट मोबाइल लग रही है। हाँ, ये टच स्क्रीन वाली स्टिक भी साथ में लाई है, ये कहाँ से मिला ये? अबे ओए आराम से, गौर से देख मन्ने। गौर से क्या देखूं, पहले ठीक से तो दिख। वैसे इस तरह की चीजें सिर्फ दूरबीन के सहारे ही देखी जा सकती, यहाँ से कुछ जरा जरा सा नजर आ रहा है। और तू तू जरूरत से ज्यादा नजर आ रहा है, किसी अच्छे कारपेंटर से जाके अपनी टांगे गड़वा ले, नहीं तो किसी दिन छज्जे से टकरा जाएगा, ये सेट नीचे आ जाएगा और तू ऊपर चला जाएगा। ए छोटा रिचार्ज, तेरा टॉक टाइम खत्म हो गया तो मैं कुछ बोलूं? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है रे तू, कौन है रे? अबे लाइफ टाइम प्रीपेड, पहचान मुझे, मैं कोमल हूँ। तो मैं कड़क हूँ। तो एक हॉकी पड़ेगी ना तो कड़क से नरम हो जाएगा, समझा? तू चकदे वाली ना भैंस की पूछ। हाँ अबे ओए, हाँ। तमीज से नाम ले, समझा? तमीज से क्या, कमीज पहनी, कौन सी तमीज करूँ? बेटा एक घूसन दूंगी ना तो तू बैठ जाएगा और दूसरे में लेट जाएगा, समझा? अबे दूसरे का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही है? गुस्सा किसका? गुस्सा तुम्हारे कोच का, चीटिंग उन्होंने की, गुस्सा मुझ पे उतर रहा है। चीटिंग के बकवास कर रहा है? चीटिंग तो हुई है तुम लोगों से, उन्होंने जो हॉकी में पैसा कमाया ना सब क्रिकेट में लगा दिए। ऊंची नस्ल के बतख, जवान को लगाम दे, तू हमारे कोच का मजाक उड़ा रहा है। सॉरी मैं नेचर के काम में इंटरफियर नहीं करता। ये देख लो, ये पहला प्राणी है जो अपना एंटीना अपने साथ में लेके घूमता है, फिर भी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एक मिनट ये बताइए, डंडा क्या भाव में पड़ा? बेटे इसके भाव की छोड़ दे, अगर ये तुझ पे पड़ गया ना तेरा भाव गिर जाएगा। इससे बड़ा तो तेरा ये डंडा है, तू इसको संभालती कि इसकी वजह से तू संभली हुई है? हॉकी का मजाक उड़ा रहा है, तुझे पता भी है ये हमारा राष्ट्र खेल है। लेकिन पूरा राष्ट्र तो क्रिकेट खेल रहा है। इतनी बकवास कर रहा है, तुझे पता है क्या हॉकी के बारे में? सब पता है, पूछो क्या पूछना हॉकी के बारे में, अभी बताता हूँ। अच्छा
बता पेनल्टी कॉर्नर किसे कहते हैं? वो कॉर्नर में पकड़े जाने पे जो सजा मिलती है उसको पेनल्टी कॉर्नर कहते हैं। कब दिया जाता है? जब कोई आसपास ना हो। तेरी फुटबॉल भी खेलती है। अब ये बता हाफ टाइम किसे कहते हैं? तुझे ही कहते होंगे। ये फुल टाइम लगा होता तो ये रिजल्ट नहीं निकलता। अबे मेरे को एक बात बता, हाँ तू करती क्या फिल्म में? क्या है? मैं फिल्म में फॉरवर्ड हूँ। मैं तो हर मामले में फॉरवर्ड हूँ। सेंटर, सेंटर फॉरवर्ड का मतलब पता है तुझे? पता है, लेकिन यहाँ पे गंदी गंदी बातें अलाउड नहीं है। अबे छिचोरे, पोजीशन की बात कर रही हूँ। इसका जवाब वो डायरेक्टर ने कटवा दिया, नहीं तो अभी देते सब। यार किसने भेजा ऐसे भगाओ यार, ये कौन है यार? तू है कौन? तू है कौन? करता क्या है? मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, कॉमेडी करता हूं मैं। अच्छा हंसा? वो जरा डंडा आप थोड़ा नीचे करेंगे? क्यों? वो चुटकुला भूल गया मैं। अगर तूने चुटकुले मारे और ये सब लोग नहीं हंसे ना तो मैं, तू चिंता मत कर, इन सबको मार मार के हंसाऊंगी। एक काम कर, पहले श्रुति से स्टार्ट कर। अच्छा, ओ छोरी इधर आ, बुलाओ जल्दी आ जा। ये छोरी है तो फिर ये कटोरी होगी। अगर तुम हंसी ना ना तो नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत जोर से हंसूंगी। हाँ तो मार चुटकुले। एक सरदार था, वो साइंटिस्ट था। हंसी क्यों नहीं तुम? हंस रही हो? तो जजेस, हमारी ये जो यहाँ पर छुटकी चित्राशी हैं, इन्होंने पहली बार जिंदगी में कॉमेडी अटेम्प्ट की है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चित्राशी, एक बात कहूंगा मैं कि अगर इन्होंने कहा नहीं होता कि आपका पहला अटेम्प्ट है तो मुझे, मैं ये समझना और ये बिलीव करना मुश्किल होता। पहले अटेम्प्ट के हिसाब से तो आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच सर। चित्राशी, चकदे की ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस के बाद चाहिए, पहला आपका कोई परफॉर्मेंस है। पिछले कॉमेडी सर्कस के बाद मुझे लगता था कि इस साल में वो कैसी कास्टिंग करेंगे यू नो जोड़ियों की, बट ये कास्टिंग देखकर तो आई कैन सेफली से दैट दिस इज आई थिंक द बेस्ट कास्टिंग दैट आई हैव सीन ऑन कॉमेडी सर्कस। आई विल कॉल इट क्रिएटिव कास्टिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन स्टेज। थैंक यू वेरी मच। तो भाई हमारे जजेस ने आपको क्रिटिकल एनालिसिस तो दे दिया आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, देखते हैं आपको क्या स्कोर्स देते हैं। तो सतीश जी सेवन, थैंक यू, एंड अर्चना 6+1 7। Congratulations and welcome on Comedy Circus. Thank you. Thank you, Chitrashri. Thank you, Rehman bhai. Well done. Bhai, bari hai ab aap logo ko vote dene ki. Aur yaad rakhiye, agar achhe votes nahi diye, to wo jo hockey stick hai, sab sir pe padega. Time starts right now. हमारे सर्कस की तीसरी जोड़ी है मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। इनकी हर चीज इतनी मिलती जुलती है कि आप कहेंगे वाह, बड़े मिले जुले हैं। प्रेजेंटिंग कॉमेडी के फैमिली से कृष्णा शर्मा और लहरी लाल सुदेश लहरी। कृष्णा, तुमने आज मेरा मान रख लिया यार यहाँ आके, थैंक यू। अरे कमाल है यार सुदेश जी, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं यार, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो शुरू करते हैं। तो ऐसा है, ओए ये तू मुझे कहाँ ले आया? ओए यार कॉमेडी सर्कस में क्या कर रहे हैं? कॉमेडी सर्कस में? हाँ अबे मैं तो तेरे को सिर्फ यहाँ मिलने आया था। तू, अरे क्या हो गया यार तेरे को, तू शुरू करना। शुरू कर, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ यार। क्या बात कर रहा है यार तुम, अगर तू यहाँ नहीं करेगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। और सुन, अगर मैंने किया ना तो तेरी ज्यादा बेइज्जती होगी, मुझे जाने दे। अरे यार जरा यहाँ खड़ा हो, अभी तो तू कह रहा तेरे लिए मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, अब तू इतना सा नहीं कर सकता? अबे इतना नहीं है, इतना है वो भी इतना, इसलिए बता रहा हूँ मेरी टांगे ज्यादा नहीं खुल रही है, मुझे जाने दे। यार तू इतना घबरा क्यों रहा है? अबे मैं घबराता नहीं हूँ यार, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा डर लगता है। अरे ये कॉमेडी सर्कस मेरे बस की बात नहीं है यार, तू तो कॉमेडी करेगा, मैं क्या करूंगा? तुम सर्कस कहने सुदेश जी, ऐसी घटिया जोक मारने का टैलेंट नहीं है मुझ में। टैलेंट, टैलेंट क्या होता है? क्या टैलेंट होता है यार? ये सामने जज बैठे, इनमें टैलेंट है? क्या नहीं है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि टैलेंट है? मुझे नहीं लगता कि इनमें टैलेंट नहीं है। हाँ इसका मतलब कि टैलेंट है, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। तो मैं भी बैठ जाता हूँ।
मैंने कहा टैलेंट है इसलिए वहां बैठे। एक बार मैं जज बना था, मैं आप जज बने थे? हाँ। तो फिर कैसा मुश्किल काम है यार। अरे लेकिन आप जज कैसे बने? कैसे, फ्री था, मैंने कहा चलो जज बन जाओ। अच्छा अच्छा, फ्री थे। कौन से शो में गए थे आप? वो नहीं जिसमें वो ऐसे अच्छा बूगी बूगी। अच्छा अच्छा, इसमें मैं गया जज बन के। वो वहां पे एक लड़की आई, इतना घटिया बेसुरा डांस किया उसने। अच्छा, मैं समझ गया क्योंकि हर जज पागल नहीं होता। दिमाग था मेरा उस दिन, मैं साथ लेके गया। अच्छा, उस दिन साथ लेके गया। अच्छा, मैंने वह देखा, मैं कहा लड़की डांस तुमने अच्छा किया लेकिन तुम्हारी जो स्टेप है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं। आगे से बहाना लगा रही, वो सर आज ना मेरा गला खराब था, मैंने पकोड़े खा लिए थे। गला का डांस से क्या लेना देना, मेरे को बेवकूफ बना रही है ना। मैं जज दिमाग साथ, मैं क्या सुनो अगर तुम्हारा गला खराब हो गया था तुम गरारे करके डांस कर लेती। कमाल यार, क्या दिमाग चलता है आपका सुधीर जी। थैंक यू। आप इलाज अपना आगरा से करवाइए, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे। ये अपने शकील भाई ना, शकील भाई, इन्होंने अपना इलाज आगरा से करवाया था। अपना इलाज उर्वशी का। यार तू वैसे ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ, तेरी इज्जत कर रहा हूँ मैं, कब से इतने प्यार से लगा, तू बेइज्जती कर रहा। छड़ यार, मैंने करना ही नहीं तेरे साथ काम। अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहे थे? फिर ठीक है, मैं क्या सीरियस है। हाँ तो शुरू करते। अरे यार फिर शुरू हो जाओ, ये क्या बार बार शुरू करते हैं। मैं कोई अमिताभ बच्चन हूँ? ये तो मिसाल है अमिताभ बच्चन, क्या है बता मेरे को, क्या है अमिताभ बच्चन? बहुत बड़ा आदमी है वो। बहुत बड़ा कहाँ से यार, टांगे लंबी है ना, क्या है वैसे, साइकिल तक नहीं उसके पास अपना। वो फ्लाइटों में धक्के खा रहा है वो भी अमर सिंह के साथ। तू सोच के वो बंदा कितना बोर होता होगा, अमर सिंह। मुझे कंफ्यूज को कर रहा है, मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ, टैलेंट की। ये टैलेंट की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या है बता? प्रधानमंत्री है वो, सबको पता है। टैलेंट कहाँ है उसके अंदर? हाँ, टक टक टक, तबला तक नहीं बजाना आता उसे, और वो प्रधानमंत्री बन गया, और जिसको आता है वो यहाँ बजारा बजारा तबला। ये कुछ नहीं होता जी, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? तुमने कुछ नहीं करना, तुमने मेरे पे बस विश्वास करना। इधर आइए। याद है मैंने एक बार आप पे विश्वास किया था, आपको एक शो दिलवाया था वो पूना में। हाँ, जूते पड़े थे, जूते। एक मिनट, तालियां भी आ रहे हैं ना, एक मिनट सुनो। जूते पड़े थे ना, मैं बताता हूँ, शुरू की है बात, खत्म मैं करता हूँ। इस बंदे की वजह से मुझे जूते पड़े, बताता हूँ बात क्या हुई थी। कि इस बंदे ने 1,00,000 रुपए का शो बुक किया मेरे नाम पे, लहरी आएगा, और मुझे दिया 10,000, 90,000 ये घटिया प्रमोटर खा गया, और मैं दिमाग लेके गया था वहां पे। मैंने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी, लोगों ने मुझे जूते मारे, अंडे मारे, बड़ी बेइज्जती हुई इसकी। तो वो आपने जानबूझ के किया था? हाँ हाँ। अब तो मैं ये शो बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे अरे सुन, एक तो यार भागता बहुत है, वैसे कहता है पप्पू पास हो गया, फेल पप्पू, खड़ा है। जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। देख, आज के बाद तेरा हर शो मैं फ्री करूंगा, बस तो ये मेरी इज्जत रख ले यार, यहाँ शुरू हो जाएगा। ठीक है मैं शो करूंगा। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कान में बताऊंगा। चलो मंजूर है। हाँ तो दोस्तों, ओ शर्त कान में बताऊंगा। अच्छा बता। जरा कर लूंगा अकेला, जाओ आगे। कैसा ऐसा मैं अकेला कर सकता हूँ? जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं माना जाएगा। ओ सर मान गए, कहते करो दोनों, आओ दोनों करो, कहते दोनों करना। एक काम करें सुधीर जी, ये शो कल करें। क्यों, आज क्या होगा? आप क्या ना हर जगह दिमाग लेके जाते हैं ना। हाँ। आज आप लेकर नहीं आए। ओ ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। चलो कल कर लीजिए, आइए कल कर। अरे कान में क्या बात कही हो भाई। हाँ वैसे क्या बात कही इन्होंने आपके कान में? हाँ मैं बताता हूँ। अरे बताने दे, अब हट जी, मैं कान में बताऊंगा। बताइए। भाग यहाँ से। क्या हुआ यार? बड़े आए जजेस, क्या कहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? नहीं अब तुम बताओ, मैं आपके कान में बताऊंगा बाहर। थैंक यू, जोरदार तालियां। थैंक यू। अर्चना वेलकम टू कॉमेडी सर्कस सीजन 2। और कृष्णा आपको मैंने डांस करते हुए देखा है, यू आर माइंड ब्लोइंग डांसर। एंड अभी जो तुमने किया वो कॉमेडी थी हालांकि, लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगी कि कॉमेडी अलग, लेकिन यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। थैंक यू सो मच मैम। सुदेश, यू आर अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर ऑल्सो, आप स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, बट आपका जो टैलेंट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि यू हैव वंडरफुल कॉमिक टाइमिंग, जो एक स्टैंड अप को होनी चाहिए। बट स्टैंड अप असाइड, आपकी वैसे कॉमेडी टाइमिंग इज़ वेरी गुड बिकॉज ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन बोथ ऑफ यू।
So all the best to you. I have to give you marks, so I will now give you because I love the way you acted, so an 8. Yeah? Thank wow. You. Thank you. Satish ji. मैं कृष्णा एक बात कहना चाहूँगा कि आपको इनके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत लगी रहेगी इनिशियली एटलीस्ट क्योंकि ये आपका पहला एक्सपीरियंस है जैसे आपने कहा है और आपका एंथुजियाज्म तो कमाल का है थोड़ा सा फिनेस चाहिए आई विल गिव यू 7 थैंक यू सर थैंक यू कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम आप दोनों को टू कॉमेडी सर्कस प्लीज टेक योर सीट्स थैंक यू तो अब आ रही है कॉमेडी का रंग जमाने हमारी चौथी जोड़ी दो दो पंजाबी एक साथ बहुत याराना लगता है एक है टेलीविजन की वैम्प जो पहली बार करेंगी कॉमेडी ऑन दिस रैंप और साथ हैं कॉमेडी के ठाकुर प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर घर तोड़ सिंदूरा कामिया पंजाबी और दिमाग फॉर राजीव ठाकुर जितनी इज्जत है उतनी ही दो नमस्कार मैं हूँ काम्या पंजाबी और ये रहे मेरे पार्टनर श्रीमान कहाँ गया बे ओए कहाँ रह गया तू अबे 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 ये किस ट्रेन की टिकट ले दी मुझे किस ट्रेन की टिकट रास्ते में 9 बार शेव कर ली बंबई नहीं आया ड्राइवर हर रेलवे फाटक पर ट्रेन रोक के पूछता था भाई ये लाइन बंबई को ही जाती है अबे ये किस ट्रेन की टिकट ले दी मुझे यहाँ ऐसा ही होता है हाँ। जिस लेवल का आर्टिस्ट होता है ना उसे उसी लेवल की टिकट दी जाती है अबे मेरा लेवल छोड़ ये बता के तू कपड़े पहन के क्यों आई है तो, मेरा मतलब है कि साड़ी पहन के आ गई है तुझे कहा था छोटे छोटे कपड़े पहन के आ अब ये तुझे नंबर किस बात के देंगे बातों के नंबर तो तुझे मिलेंगे मैं तो वैसे ही नंबर ले लूंगी ऐसे नंबर नहीं सतीश जी का मोबाइल नंबर मिलेगा वैसे भी नंबर कपड़ों के नहीं मैटर के मिलते हैं हाँ तो मैटर तो सारा ढक के आ गई है मैटर मतलब कॉमेडी सीरियस बातें मत कर यहाँ पे कॉमेडी कर कॉमेडी जैसे जैसे अपना नाम बता हाँ हेलो एवरीवन मैं हूँ काम्या पंजाबी काम या पंजाबी इसे किसने बताया या काम होता है या पंजाबी होता है दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते एक्सक्यूज मी ये मेरा नाम है काम्या पंजाबी तुझमें पंजाबियों वाला क्या है ओ मेरा मतलब है कि पंजाबी औरतें होती हैं हट्टी कट्टी जवान और ये इसका गाल खींचो ना तो ऐसे लगता है जैसे आदमी डिब्बे में से टिश्यू पेपर निकाल रहा है पंजाबी मेरा उपनाम है पीछे लगाने वाला तखल्लुस ओए होए 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 अब पंजाबी इस काम भी आने लगे हैं उपनाम बदल ले पीछे लगाने वाला वरना आज पंजाबी तखल्लुस है कल बहुत तकलीफ देगा कोई बात नहीं मुझे सारी तकलीफों से निपटना आता है पर तुझसे कौन निपटेगा मेरा मतलब है कि सभी को अच्छे अच्छे पार्टनर दिए मेरी बारी इनको मौत पड़ गई मुझे वैंप दे दी इधर आ जरा औरतों की शक्ति कपूर अमरीश पुरी इधर आ इधर आ ओए घर तोड़ने वाली औरत घर गृहस्थी के डायनासोर अरे तेरा जोड़ी में क्या काम अभी बताती हूँ हाँ। वो क्या है ना हाँ। मुझे खतरों को गले से लगाने की बहुत पुरानी आदत है आज से मेरा नाम खतरा नहीं है भाई मैंने इन लोगों से कहा था कि इस कॉमेडी सर्कस को मैं किसी भी हालत में और बहुत आसानी से जीत के बता दूंगी चाहे वो मुझे सबसे सबसे घटिया सबसे गंदा पार्टनर क्यों ना दे दे और तब जाके तू मिला है अबे क्या गंदा मैं तेरी मार्केट में कूड़ा उठाने आता हूँ शक्ल से तो ऐसी लगता है मैं नहीं अरे सुन यार हाँ। सुन हाँ मैं हम दोनों की जोड़ी को जोड़ के रखूंगी हाँ। और बाकी सारी जोड़ियों में दरार डाल दूंगी अर्चना जी इसके अंदर की वैंप जाग गई है अभी चेक करता हूं 103 डिग्री वैंप अरे कौन से सीरियल में आती है तू बनू मैं तेरी दुल्हन कौन सा बनू मैं तेरी दुल्हन क्या बनू मैं तेरी दुल्हन कबूला 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 हो गया निकाह
अब आगे से किसी को मत कहना बनू मैं तेरी दुल्हन। मैं तेरी पार्टनर बन गई इसी में खुश रहे, वरना तुझे मेरी साजिशों का पता नहीं है। वो जो तुझे उस ट्रेन की टिकट मिली थी ना, उसमें भी मेरी ही साजिश थी। यार, ये औरत है कि साजिश का कारखाना। ऐसी औरतें ना अपनी सुहाग रात को मियां मूड बना के आता है और ये घूंघट उठा के बैठ जाती हैं। अब देखती हूँ क्या उठाता है। और शर्म के मारे मियां खुद जो चुनरी गले में डाली होती है ना, उसका घूंघट निकाल के बैठ जाता है। फिर साजिश की नजर से देख रही होती हैं, कहीं ये गे गुजरा तो नहीं। ज्यादा बकवास मत कर वरना। एक तो ना ऐसे मेरे कान में फुस 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 मत किया कर। तूने अच्छी अच्छी बातें करनी है, उनको लगना गंदी फिल्म की स्टोरी सुना रही है। इसका मैंने एक सीरियल देखा, आदमी भी ऐसे ही मारती है, बंदूक निकाली, मैं तुम्हें चांद से मार डालूंगी। बेवकूफ की औलाद, सलेंसर गन को लगाना था, गले को लगा के आई हुई थी। तू हद से आगे बढ़ रहा है, ऐसा ना हो कि अगला नंबर तेरा ही हो। मारना तो मार, मजे तो ना दे। फिलहाल तुझे जिंदा रखना मेरी मजबूरी है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इस कॉमेडी सर्कस के इनाम को हमें किसी भी हालत में जीतना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हाँ, नहीं नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अबे उसके लिए कॉमेडी करनी पड़ेगी, और तू जो कर रही है ना, उससे इनाम जीतना तो दूर, उल्टा हमें जुर्माना पड़ेगा। तो चल यहाँ से यार। एक मिनट, मैंने ना पिछली बार देखा था, सतीश जी ना मैसेज के अलग से नंबर देते हैं। अच्छा। मैसेज ऐसे मैसेज नहीं देने। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा झाड़ियां लगानी चाहिए पास पास। इसे एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना? नहीं, आशिकों की मौज रहती है। समझी? तुझे समझ में नहीं आनी, ऐसी बातें सिर्फ श्रुति को समझ आती हैं। आ जाओ श्रुति। देखिए, तुम्हें जिंदा रखना इसकी मजबूरी है, मेरी नहीं। बन सकती है। कभी भी नहीं। पॉइंट्स चाहिए? आपसे नंबर चाहिए, आपका मोबाइल नंबर। अर्चना, क्या कहेंगी आप इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? वेलकम एंड मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। राजीव और काम्या, मैं एक चीज़ आप दोनों से शेयर करना चाहूँगी कि इस बार जब कॉमेडी सर्कस के लिए मुझे वापस चैनल ने अप्रोच किया, तो मुझे एक हल्का सा डर था कि जो कॉमेडी सर्कस का स्टैंडर्ड जो पहले सेट हुआ था फर्स्ट ईयर में, वो इत्तफाकन इतना बढ़िया एक शो निकल के आया था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था उसे, कि अब सेकेंड सीजन में कैसी कास्टिंग होगी, कैसी जोड़ियाँ आएंगी, स्टैंडर्ड कॉमेडी का वही रहेगा या नहीं। बट आई वॉन्ट टू से टू बोथ ऑफ यू, आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है, कोई डर नहीं है, कोई शुभा नहीं है कि कॉमेडी सर्कस हैज कम बैक विद अ बैंग विद जोड़ी लाइक यू। थैंक यू सो मच। सतीश जी, कामिया जी, जब आप चल के आई ना उस मूड में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरा घर उजाड़ने आ रही हैं। वैसे बीच बीच में आपके साथ फ्लर्ट करने के लिए मैं माफी नहीं चाहती हूँ।